अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम बाकायदा न्यूमेरिकल के लाइव सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ लाइव सेशन में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स टॉपिक बाय टॉपिक हम सॉल्व करना सीखेंगे, और इसके बाद सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम लाइव सेशन में बाकायदा सीखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो एज़ यूजुअल आपको बताते चले कि ये लाइव लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिर्फ टीचिंग पर आप बराह रास्त देख रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। इसी तरीके से अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। तो आज का जो लाइव सेशन है, इसमें हम न्यूमेरिकल जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके न्यूमेरिकल को हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, और हमने इस लाइव सेशन के 2 हिस्से कर लिए हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल हैं उसकी वेराइटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। जिसमें अगर हम बात करें तो पार्ट ए में हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके सिंपल न्यूमेरिकल से हम बेसिक बनाएंगे अपनी अच्छी, और पार्ट बी में हम फिर इसकी मुश्किल वैरायटी को भी बाकायदा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन, जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल रही है, कमेंट में अपने अपने ना अपने अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो कमेंट में लिख दें, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे इस लाइव सेशन को किन किन इलाकों से देखा जा रहा है। तो जल्दी से आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ओके, बहुत से बच्चों ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। बेटा वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हों जिनको ये फॉर्मूला तक भी मालूम ना हो। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास फॉर्मूला है वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमारे पास फॉर्मूला है एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 2 ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें वी एफ जो शो कर रहा है वो फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी को, और ए शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी, अगर किसी भी चीज़ की फ्री फॉल की अगर बात होगी, तो ए की जगह आ जाएगा जी, और टी शो कर रहा है टाइम को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस शो कर रहा है डिस्टेंस को, वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआती वेलोसिटी होगी, टी टाइम को शो कर रहा है, ए एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और अगर किसी फ्री फॉल की बात होगी तो ए की जगह आ जाएगा जी, और यहाँ पर टी एज यूजुअल टाइम को शो कर रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपके सामने सबसे पहला एक न्यूमेरिकल है, याद रहे इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड के पास पेपर के ही लिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला सवाल है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ इट टेक्स 3 सेकेंड टू रिटर्न टू द ग्राउंड, हाउ हाई डज द स्टोन गो। हमें कहा जा रहा है कि एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। याद रहे कि बहुत से स्टूडेंट जिस वक्त लाइव देख रहे हैं वो कैलकुलेटर भी अपने हाथ में ले लें, एक पेपर और पेन भी अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि इस लाइव सेशन में जहां मैं हिंट दूंगा तो आपने खुद सॉल्व करके भी बताना होगा। तो एक स्टोन को कहा जा रहा है कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक स्टोन को, एक पत्थर को वो वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है। वर्टिकली जो है वो उसको क्या करता है, फेंकता है ऊपर की तरफ। तो ये स्टोन जो है वो ऊपर जाता है पत्थर, और ये पत्थर फिर ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद ये पत्थर जो है वो वहां से नीचे आ जाता है। और कहा जाता है इसका जो वक्त है, इस न्यूमेरिकल में कहा गया है जो टोटल वक्त लगता है वो कितना लगता है, 3 सेकेंड का टोटल जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 3 सेकेंड के अंदर ये नीचे आ जाता है।
हमसे पूछा जा रहा है कि वो स्टोन कितना हाई गया, हाउ हाई इट गोज, कितना ऊपर गया है, हमें क्या करना है वो बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, डेटा बनाना है। डेटा में हमने देखा भाई हमें दिया गया है सिर्फ टाइम, टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 3 सेकेंड। अब सोचो कि स्टोन जो है वो नीचे से ऊपर गया, और ऊपर के बाद जब वो नीचे आता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल रफ्तार, अगर मैं बात करूँ ना, ऊपर से जब वो नीचे आ रहा है तो उस वक्त उसकी इनिशियल रफ्तार क्या होगी, जीरो। उस वक्त इनिशियल रफ्तार क्या होगी, जीरो। और वो जो नीचे आ रहा है तो वो फ्री फॉल है ना, तो फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन जो होगी, फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, जी के बराबर होगी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ कहा कि भाई मुझे पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई जो है वो जीरो है, जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पूछा जा रहा है कि हाउ हाई इट गोज, हमें बताना है एस, क्या करना है हमें बताना है एस। तो यहां हमने देखा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, जी भी है। तो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला, एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आपके पास पूरी 1 मिनट का टाइम है, वैल्यू पुट करके जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। हाई जल्दी देखते हैं सबसे पहले इस लाइव सेशन में न्यूमेरिकल का आंसर, सही आंसर किसकी तरफ से आ रहा है। और जिनके पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं है वीडियो को लाइक कर दो, 20 बच्चे इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं, और जबकि वीडियो को लाइक करने वाले सिर्फ 6 बच्चे हैं। तो बेटा वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक पे क्लिक नहीं किया, जल्दी से लाइक पे क्लिक करो। जल्दी देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का सही आंसर कौन बता रहा है, लेट्स सी। जल्दी शाबाश। तो पहले फर्स्ट ईयर या एप्टीट्यूड की हम बेसिक ही कर रहे हैं ना, ये बेसिक अच्छी होगी तो फिर आपका आसानी हो जाएगी। देखते हैं सही आंसर किसकी तरफ से आ रहा है। चले भाई अब 1 मिनट का टाइम पूरा हो गया है और अब तक किसी का आंसर नहीं आया। चले अब मैं आपको बता रहा हूं जो चीज आपने यहां नोट नहीं की, गौर से देखो। यहां ज्यादातर बच्चों ने टाइम रखा है 3 सेकेंड, जबकि यहां टाइम 3 सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि 3 सेकेंड में वो ऊपर भी गया है और ऊपर से नीचे भी आ गया। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने का जो टाइम होगा वो 1.5 सेकेंड होगा। जिन्होंने कहा ना देखो जल्दबाजी की तुम लोगों ने, भाई 3 सेकेंड में वो नीचे से ऊपर आ चुका है, इसका मतलब आपके पास जो टाइम है ये आपको क्या करना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 सेकेंड। टाइम जो है वो क्या होगा, 1.5 सेकेंड रखकर आपने क्या करना होगा, पुट करना होगा, क्योंकि 3 सेकेंड में वो नीचे से ऊपर भी गया और ऊपर से नीचे भी आ गया। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे आने के लिए हमें क्या करना होगा, टाइम को ऊपर से नीचे आने के लिए हमें टाइम को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। अब देखते हैं कौन सा ये आंसर देता है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एस बराबर है 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ, ये हो गया 9.8, टी की वैल्यू हो गई 1.5 का, ये हो गया स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो है ये समीर अली मुझे लगता है इंतहाई कोई नालायक स्टूडेंट है जो इंतहाई गलत सलत आंसर देने में एक्सपर्ट लग रहा है मुझे। चले भाई तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो गया, और ये 9.8 है इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 4.9 हो गया। 1.5 का जो स्क्वायर होता है वो 2.25 है। अब 4.9 को मैं 2.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो 11.025 मीटर है। एस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11.025 मीटर जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर है। चले भाई तो बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल भी बहुत से बच्चों की तरफ से जो है वो आंसर गलत आ रहे हैं, और बहुत से बच्चे कह रहे हैं सेकेंड ईयर की कब शुरुआत करेंगे। बेटा बेसिक अच्छी से बनाओ, एप्टीट्यूड भी सेकेंड ईयर वालों को देना है, तो एप्टीट्यूड की तैयारी भी हो जाएगी आप लोगों के साथ साथ, और आपके न्यूमेरिकल रिकॉल भी हो जाएंगे, और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी हम टेक्स्ट बुक वाले न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, तो टेक्स्ट बुक वाले न्यूमेरिकल में सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का भी फायदा है। तो पहले न्यूमेरिकल जो था वो 11.025 जो था इसका आंसर था। अगला सवाल, चले भाई मैंने कहा ना आज तो बेसिक रखी है हमने सिंपल। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इफ इट टेक्स
5 seconds to hit the ground. Find the height of the tower and with what velocity will it strike the ground. के टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5 सेकेंड में वो जमीन से स्ट्राइक कर रहा है. हमें उस टावर की हाइट बतानी है और पूछा जा रहा है कि कितनी रफ्तार से वो टकराएगा. भाई एक टावर से बॉल को ड्रॉप किया गया और ड्रॉप करते हुए कहा गया कि 5 सेकेंड में वो जमीन से टकरा जाता. ड्रॉप किया गया मतलब उसकी जो इनिशियल रफ्तार है, ड्रॉप किया गया उसकी जो इनिशियल रफ्तार है वी आई जो है वो क्या है, जीरो. फ्री फॉल किया गया तो जी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 9.8 meters per second square. और जो टकरा रहा है हमें पूछा जा रहा है वी एफ, हमें फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है हमें बतानी है. और हमें एस मतलब हमें उसका क्या करना है, हाइट भी बतानी है कि टावर की हाइट क्या होगी. तो मैं डेटा बनाने में आप लोगों की मदद करता हूँ, फिर आप मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. तो हमारे पास जो है वो वी आई की वैल्यू जो है वो यहाँ ज़ीरो है, जी की वैल्यू जो है वो 9.8 meters per second square है और हमें जो टाइम दिया गया है वो 5 सेकेंड दिया गया है ज़मीन से टकराने का. और हमें कहा जा रहा है आप एस बताएंगे और हमें कहा जा रहा है आप फाइनल वेलोसिटी बताएंगे. तो एस के लिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ. देखो भाई सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा और एस के लिए लिखा वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया. और वी एफ के लिए आपके पास होगा वी एफ बराबर है वी आई टी प्लस जी टी. अब देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन लाता है. आपके पास पूरा एक मिनट है, वैल्यू जल्दी से कैलकुलेटर में पुट करें और आंसर लाने की कोशिश करें जल्दी. एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी एफ की हमारे पास जो वैल्यू है वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी. जल्दी से शाबाश आंसर लाएं. देखते हैं सबसे पहले किसकी तरफ से आंसर आता है, एस की क्या वैल्यू आती है और वी एफ की वैल्यू क्या आती है. सही आंसर देखते हैं किसकी तरफ से आ रहा है. आपके पास पूरे अभी 30 सेकेंड है, जल्दी से कैलकुलेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके भाई समीर अली का आंसर वी एफ आया और समीर अली एस की वैल्यू मुझे बताओ जल्दी से, शाबाश एस की वैल्यू बता दो, वी एफ की वैल्यू तुम्हारी सही है. ओके वी एफ की वैल्यू नेहा की भी सही है और एस की वैल्यू ओके. तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का करेक्ट आंसर जो है वो दोनों आंसर समीर अली की तरफ से आंसर दोनों बिल्कुल सही आए. ओके भाई तो एस हमारे पास जो हो गया वी आई की वैल्यू जीरो है मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू 5 थी प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 और ये हो गया 5 का स्क्वायर. जीरो से मल्टीप्लाई करिए जीरो हो गया, हाफ को 9.8 से करता हूँ तो ये 4.9 हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 को 4.9 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 122.5 meters. एस की वैल्यू आ गई 122.5 meters. वी एफ की अगर मैं बात करता हूँ तो वी आई मेरे पास है ज़ीरो, जी है 9.8 और टी की वैल्यू जो है मेरे पास है 5. तो 9.8 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 49 meters per second जो कि इस फाइनल वेलोसिटी का हमारे पास आंसर है. तो आइए तीसरे न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाए सब. तो ये दो न्यूमेरिकल हमारे हो गए, तीसरा न्यूमेरिकल अब देखो लेवल आहिस्ते से बढ़ता जाएगा तुम लोग के लिए. तो ये अब आते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ. चले A stone is thrown, एक मिनट थोड़ा सा मैं फोकस करूँ, लाइव में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है. A stone is thrown vertically upward, एक मिनट चले ओके. A stone is thrown vertically upward with a velocity of 12 meters per second. Calculate the maximum height reach and the time taken before it strikes the ground. हमें कहा जा रहा है कि स्टोन है उसको जो है वो 12.5 meters per second की रफ्तार से 12. ओके अब देखो ये परीक्षक ने कहा आप कैलकुलेटर क्यों बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड. बेटा एप्टीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड नहीं होता. पहले स्पेलिंग आप थोड़ा सा सीखें. यहाँ हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट जो है वो
बगैर कैलकुलेटर की अगर कोशिश करना चाहें तो भी अच्छी बात है, कोई इसमें इश्यू नहीं है बेटा। एम्पलीट्यूड नहीं होता, ये एप्टीट्यूड होता है। तो थोड़ा सा स्पेलिंग सीखें, बेइज्जती करवाओगी जहां पे भी पूछोगी। तो एक स्टोन है जिसको वर्टिकली जो है वो अपवर्ड जो है वो फेंका गया, और उसकी जो रफ्तार बताई जा रही है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड है। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है, और फिर आगे कहा जा रहा है एंड द टाइम टेकन बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और हमें बताना है कि कितनी देर के बाद वो जमीन से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। एक मिनट, कैमरा फोकस नहीं करा। ओके, अब फोकस हो गया। तो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड। देखो भाई, एक स्टोन है ना भाई, एक शख्स है, वो क्या करता है, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता है। स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड ना, और इसको जिस रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है वो रफ्तार हमारे पास क्या हो गई, इनिशियल रफ्तार ना, और इनिशियल रफ्तार जो है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड है। और हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक का फासला बताना है, एंड द टाइम टेकिंग बिफोर बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी ऊपर से जब वो नीचे आता है कितनी देर में वो जमीन से जाकर टकराएगा, कितनी देर में वो जमीन से जाकर क्या करेगा, टकराएगा। मतलब हमें यहां से नीचे से ऊपर तक का टाइम और ऊपर से नीचे तक का टाइम भी हमें चाहिए। तो नीचे से एक चीज ऊपर फेंकी गई है ना, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस में, -9.8। याद रखिएगा जी की वैल्यू प्लस में तब होगी जब एक चीज जो है वो, एक मिनट यार, मैं कैमरा थोड़ा फोकस कर लो, जब किसी चीज को कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो जी की वैल्यू प्लस में होती है, लेकिन नीचे से ऊपर अगर किसी चीज को फेंका जाएगा तो जी की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। तो ये वी आई हो गया। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हुए फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी जीरो। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हुए फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। अब हमें आइडिया हो गया, वी आई भी है, जी भी है, वी एफ भी है, डिस्टेंस चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई होगी। इस न्यूमेरिकल में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले डेटा बना दिया भाई, हमारे पास वी एफ यहाँ क्या हो गई है, जीरो, जी की वैल्यू जो है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वी आई की वैल्यू जो है वो 12.5 मीटर पर सेकेंड है। हमसे पूछा जा रहा है एस, और हमसे पूछा जा रहा है टी टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2gs = vf² - vi² हो गया, ये करना है। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है वो टाइम के लिए क्या करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है भाई, vf = vi + gt। ये फॉर्मूला लगाकर आपके पास आ जाएगा टी, और टी की वैल्यू जो भी होगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो जो टाइम आएगा ना वो नीचे से ऊपर तक का होगा, लेकिन हमें जो टाइम चाहिए वो क्या चाहिए, नीचे से ऊपर तक का भी टाइम चाहिए, और दोबारा जब वो जमीन से टकराएगा ना वो टाइम भी चाहिए। तो जो भी टी होगा, तो कैपिटल टी के लिए आप क्या करोगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड में। चले भाई, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले किसकी तरफ से आंसर आता है। लाइफ में थोड़ा कैमरा फोकस का बड़ा मसला आता है मेरे लिए। चले भाई, जल्दी से इसमें वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू बताओ, फिर यहां से टी निकालोगे, जो भी टी की वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो टी आएगा वो नीचे से ऊपर तक का टाइम होगा, लेकिन हमें जो टाइम चाहिए वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक का टाइम, मतलब डबल टाइम चाहिए कि जमीन से वो टकराए। तो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है वैल्यू। शाबाश, कैलकुलेटर अपने पास रखें फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, और जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं वाकई जीनियस, तो वो बगैर कैलकुलेटर के भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर से करो, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि एप्टीट्यूड के सवालात का अंदाज थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम उन पे भी फोकस करेंगे, लेकिन ये फिलहाल टेक्स्ट बुक वाले सवालात हैं और ये पास पेपर वाले ज़्यादातर सवालात हैं। तो अब तक किसी का आंसर नहीं आया, एस का तो आंसर आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया तो फिर मैं सॉल्व कर लूँ जल्दी। शाबाश, 2gs = vf² - vi² आपने वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। अगर आंसर नहीं आता 1-2 मिनट के अंदर तो मैं वैल्यू पुट करके आंसर लाऊंगा। जल्दी, शाबाश।
चलें भाई, अब तक किसी ने आंसर नहीं दिया, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ भाई। टू है, जी की वैल्यू हमारे पास जो है वो -9.8 है, हमें एस चाहिए, वी एफ जो है वो वहाँ जाके 0 हो गया था, वी आई की वैल्यू है 12.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया -19.6 एस और 12.5 का स्क्वायर। आपने कैलकुलेटर से क्या करना है, लेना है। ओके, तो ये हो जाता है 156.25, और ये माइनस है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 19.6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये एस हमारे पास है 156.25 और ये हो गया 19.6। तो मैंने इसको जब डिवाइड किया, मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो एस की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 7.97 मीटर। 7.97 मीटर जो है हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू है। फिर इसी तरीके से हम आते हैं वी एफ की वैल्यू की तरफ, हमें वी एफ की वैल्यू चाहिए। ओके, हमें जो टाइम, सॉरी टाइम चाहिए ना, वी एफ तो 0 है। इसी तरीके से वी आई हमारे पास कितना था, 12.5। जी की वैल्यू हमारे पास जो थी वो माइनस में थी, क्योंकि नीचे से ऊपर की बात हो रही है, 9.8। हमें टी चाहिए। अब ये 12.5 जो है ना, यहाँ प्लस में वहाँ जाकर माइनस, -12.5 हो गया, -9.8, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 12.5 को मैं 9.8 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो टी की वैल्यू जो आ रही है, टी की वैल्यू जो आ रही है वो है 1.27 सेकेंड। अब मुझे पता है कि मुझे जो टाइम चाहिए ना, मुझे जो टाइम चाहिए था वो सिर्फ नीचे से ऊपर का टाइम नहीं चाहिए था, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे से ज़मीन पर जब दोबारा स्ट्राइक करे उस वक्त तक का टाइम चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1.27। तो मेरे पास जो टी का आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो टी का आंसर जो आ रहा है वो 2.54 सेकेंड है, 2.54 सेकेंड। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास टी का आंसर है। तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल था। आज के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेशन वाले बड़े सुस्त हैं, जब मुश्किल न्यूमेरिकल में क्या हाल होगा, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से पार्टिसिपेशन चल रही है उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई खास फायदा होने वाला है। चले भाई अगला, फिर मैं रिकॉर्डेड ही वीडियो डाल दिया करूंगा न्यूमेरिकल की, कौन इतने लाइव में इतनी मेहनत करेगा, फिर लाइव में कुछ और करेंगे हम, अगर अगर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन अच्छी नहीं रही तो। चलें भाई, अब टेक्स्ट बुक का ये पहला न्यूमेरिकल, इन एन इलेक्ट्रॉन गन, एक मिनट में थोड़ा सा कैमरे को भी अच्छा कर लेता हूँ, अब उम्मीदें बेहतर है। इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन सेट, एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10.3 मीटर पर, 10. एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड इंटर्स अ रीजन वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड, इट इमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड विद स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, वॉट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हमें कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है टेलीविजन सेट की, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल रफ्तार जो दी गई है वो एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले मैं डेटा बनाया, इसकी इनिशियल रफ्तार जो वी आई जो दी गई है वो है एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, और हमें कहा जा रहा है जहां वो एक ऐसी जगह पे दाखिल हो रहा है वेयर इट इंटर्स अ रीजन वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सेलरेटेड, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इट इमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन, इट इमर्जेस आउट ऑफ, एक मिनट थोड़ा कैमरा फोकस हो जाए, इट इमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड। टाइम जो हमें दिया गया वो 1 माइक्रोसेकेंड है, टी की वैल्यू है 1 माइक्रो, का मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, एक्सपोनेंट -6 दिया गया, 1 माइक्रोसेकेंड विथ अ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो रफ्तार बताई जा रही है वी एफ है 4.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड जो हमें बताई जा रही है उसकी रफ्तार है। वॉट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन, हमें उस इलेक्ट्रॉन गन की लेंथ बतानी है, और फिर कहा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें कहा जा रहा है आप एक्सेलरेशन भी बताएंगे। तो आइए हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, मर्जी है कोई भी निकाले। तो मैंने एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी, ये था।
ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन है ना, तो इस फॉर्मूले को मैं अरेंज कर लेता हूँ, वी आई यहाँ प्लस में है वहां जाकर माइनस में, देखो ए बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई और टी नीचे आ गई, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो मैंने ए रखा, वी एफ की वैल्यू है फोर एक्सपोनेंट, वी एफ की वैल्यू है फोर एक्सपोनेंट फाइव, और ये हो गया वी आई की वैल्यू एक्सपोनेंट थ्री, टाइम दिया गया है एक्सपोनेंट माइनस सिक्स सेकेंड। अब मैं इसको यहाँ जो है अगर चाहूँ तो बगैर कैलकुलेटर भी सॉल्व करके बता सकता हूँ, एक्सपोनेंट थ्री यहाँ आ गया कॉमन, इसमें एक्सपोनेंट फाइव से एक्सपोनेंट थ्री ले लिया, एक्सपोनेंट थ्री कॉमन, ये हो गया फोर एक्सपोनेंट टू और यहाँ बच गया वन, ये हो गया एक्सपोनेंट माइनस सिक्स। अब फोर एक्सपोनेंट गौर से सुनिएगा, फोर एक्सपोनेंट टू का मतलब होता है 400, 400 में से एक माइनस किया तो कितना हो गया, 400 में से एक माइनस किया तो कितना हो गया 399, ये एक्सपोनेंट थ्री ऊपर है अपनी जगह पर और ये एक्सपोनेंट माइनस सिक्स यहाँ माइनस में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया एक्सपोनेंट सिक्स, तो दोनों की पावर एड हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 399 एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 399 एक्सपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से हमें एस अगर चाहिए तो वो भी मैं बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, तो मर्जी हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करें या फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल करें, चले मैं सेकेंड करके बता देता हूँ आपको, एस बराबर है वी आई टी, एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमारे पास बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी आई की वैल्यू हमारे पास है एक्सपोनेंट थ्री, टाइम हमें दिया गया वन माइक्रो सेकेंड तो ये हो गया एक्सपोनेंट माइनस सिक्स, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमें जो हमने निकाल ली ना, ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल चुके, एक मिनट थोड़ा कैमरा फोकस कर लूँ मैं, ए की वैल्यू हम निकाल चुके ना 399, तो ये हमारे पास यहाँ मैं ए की जगह रख देता हूँ 399 एक्सपोनेंट 9 और टाइम हमारे पास था माइनस सिक्स का स्क्वायर, एक्स माइक्रो था। अब ये एक्सपोनेंट 3 और माइनस सिक्स कितना हो गया, माइनस 3 बच गया और ये प्लस है, 399 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाती है 199.5, क्योंकि अगर 400 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 200 आता है, 399 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी 199.5, और ये एक्सपोनेंट 9 हो गया एक्सपोनेंट 9, और ये एक्सपोनेंट 6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा एक्सपोनेंट माइनस 12। अब ये एस हमारे पास है, एक मिनट थोड़ा कैमरा हम फोकस करें, ओके अब ये हो गया एक्सपोनेंट माइनस थ्री, एक्सपोनेंट माइनस थ्री प्लस 199.5, इनको हमने ऐड किया तो ये क्या हो गया एक्सपोनेंट माइनस थ्री हो गया। अब एक्सपोनेंट माइनस थ्री जो है, एक्सपोनेंट माइनस थ्री जो है, एक मिनट कैमरा थोड़ा फोकस हो जाए, एक्सपोनेंट माइनस थ्री जो है वो कॉमन आ गया, एक्सपोनेंट माइनस थ्री कॉमन, यहाँ हमारे पास अब बच जाता है 199.5। अब 199.5 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तो ये हो जाता है 200.5, और इसको अगर मैं एक्सपोनेंट माइनस थ्री जो है वो बच जाता है इससे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनल आंसर आएगा 0.2005 मीटर, ये हमारे पास आ जाती है एस की वैल्यू। तो यहाँ जाकर हमारा ये चौथा न्यूमेरिकल भी जो है वो मुकम्मल हो गया है। कल इंशाल्लाह अगर लाइव पार्टिसिपेंट की तादाद अगर ज़्यादा होगी, उनकी पार्टिसिपेशन मुझे अच्छी लगेगी, तो आगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल को भी बाकायदा अच्छे से हम लाइव सेशन में मुश्किल वाले न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, वरना ये होगा कि मैं रिकॉर्डेड जो है वो जिस तरीके से वीडियो हम अपलोड करते हैं वही हम अपलोड कर लेंगे, तो आज के इस लाइव सेशन में स्टूडेंट के आंसर जो थे वो इतने परफेक्टली नहीं आए, ना ही उनकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं आई, तो इसीलिए जो है वो आज हम फिलहाल यहीं रखते हैं, तो आज का लाइव सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस हो रही है लेकिन तुम लोग की तरफ से पार्टिसिपेशन जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कोई एक आंसर तक नहीं आया, दो दो तीन तीन मिनट तक भी वेट किया लेकिन किसी की तरफ से आंसर ही नहीं आ रहा था, तो बेहतर है कि तुम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखो, छापो, रट्टा लगाओ, पार्टिसिपेशन जो है वो लाइव पार्टिसिपेशन तुम लोग की तरफ से मुझे बिल्कुल ही जो है वो मायूस कर रही। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।